हेलो गाइस, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। हालांकि फिर से टाइम लग गया, वादा किया था पर वादा टूट गया। और कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज बहुत तगड़ी बारिश हुई है यहाँ, लगभग 7 से 8 महीने के बाद देखने को मिला है बारिश यहाँ, काफ़ी तेज़ आंधी के साथ। बिल्कुल हम लोग डर से गए थे, ऐसा लग रहा था कि कब का ये जो हम लोग के एकोमोडेशन है गिर जाएगा ऐसा। मतलब जो अपने यहाँ बारिश होती है ना, उससे भी तगड़ी वाली बारिश हुई है, और आंधी उससे भी तगड़ा। पता नहीं विंड का फ्लो कितना था, वो एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। और क्योंकि डर सा लग रहा था दिल के अंदर में। और अभी मैं सुबह सुबह का वक्त है, मैं पहुँच गया वर्कशॉप के अंदर में, और यहाँ से हम लोग निकलेंगे कुछ देर के बाद में साइट के ऊपर में, और वहाँ की जो काम करेंगे आज वो हम आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। और थोड़ा सा दिखाएंगे कि यहाँ बारिश होने के बाद भी मतलब कैसा है। यस, तो बस रूम से निकल पर, अभी सुहाना मौसम है, दिख रहा है आपको बस रूम के बाहर का ये नज़ारा है। और गाड़ी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, बस यहाँ से निकलना है अभी वर्कशॉप की तरफ, वहाँ पहुँच के फिर आपको वहाँ की। रात में तूफान के बाद भी सुबह सुबह बादल चारों ओर सर की ओर मंडरा रहा है। वाकई में सऊदी अरबिया में अगर ऐसा मौसम मिले काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और देखो गर्मी भी बहुत कम है, नॉर्मल है अपने यहाँ। इतनी तेज हवा, भयानक भयानक, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी बिल्डिंग उखाड़ देगा, ऐसा फील हो रहा था। बहुत खतरनाक ये, मतलब सऊदी में जब से आए लगभग कितना 8 महीना होने को है, और 8 महीने में पहला बार इतना खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ बारिश का, वो भी इतना खतरनाक टाइप से, बता नहीं सकते जो भी है। पर इधर तो फर्स्ट टाइम हुआ ना इतना खतरनाक। अच्छा आपको यार डिजर्ट साइड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इतना बारिश होने के बाद भी। ओ माय गॉड, क्या माजरा भाई। भाई देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है डिजर्ट साइड पे, ऐसा लगा कि बारिश हुई ही नहीं है, जबकि 1 से 2 घंटे तक लगातार बारिश हुई वो भी खतरनाक टाइप से। हालांकि मौसम में जितना चेंज होना चाहिए इतनी बारिश होने के बाद उतनी भी नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं कि मतलब एज़ कम्पेयर टू पहले थोड़ा सा नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है अभी फ़िलहाल। अब देखो दोपहर तक क्या होता भाई। यस, फाइनली तो वर्कशॉप में पहुंच गए अभी हम लोग। ओ माय गॉड, चारों साइड में रंबल का बौछार लगा हुआ है, देखिए वो आप लोग जैसा। और मेरे साथ में अभी 2 फ्रेंड लोग टेक्नीशियन साथ में, अभी यहाँ से जस्ट एसी वगैरह लोड करके निकलना है क्योंकि आज का टेम्परेचर नॉर्मल है। तो मे भी हो सकता है कि वर्क ज़्यादा हो, जो भी पेंडिंग वर्क हो वो आज पूरी करने की कोशिश है, और साथ में समीम और समन। और फिर से मौसम खराब, जैसा आप लोग देख रहे हैं रंबुलों की बारिश फिर से स्टार्ट। और कहते हैं ना कि होने के बहुत कुछ हो सकता है और खोने को कुछ नहीं, तो सेम सिचुएशन है यहाँ। मतलब कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है भाई, कभी भी ख़राब हो सकता है। आप ये ना सोचो कि हाँ मौसम अगर यहाँ सही चल रहा है तो कहीं सही चलेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी बस हम लोग लोड करके निकले हैं और जा रहे थे, देखो फिर मौसम ख़राब है। और सबसे पहले तो रैमगो के अंदर ये सेफ्टी आता है कि अगर इतना विंड फ्लो हो रहा है तो फिर आप वर्क नहीं कर सकते। अभी देखो जाने के बाद परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो परमिट मिल गया, यहाँ से अब हम लोग वेल साइड की तरफ निकलेंगे। अब यहाँ से हम लोग को एसी वगैरह जाके देखना है या सही चल रहा है कूलिंग, जो वेल के अंदर के जो मशीनरी पार्ट है वो कूल है कि नहीं, वहाँ के अंदर का जो टेम्परेचर 16 से 22 के बीच में रखना होता है टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं वो जाके चेक करेंगे। फिर अगर बाय द वे ज़रूरत पड़े तो फिर वहाँ जाके हम लोग को चेंज भी करना होगा। और बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हालांकि आज मौसम थोड़ा सा सही है, जैसा कि पहले मैंने बोला भी आपको कि मौसम एज़ कम्पेयर पहले आज जो थोड़ा सा सही है। बट हाँ गर्मी की तपिश जो जैसे बोलते हैं ना, जो तपिश है वो बरकरार है। और भाई ये आप जब भी रेगिस्तान में चलोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई आगे कुछ है ही नहीं, बट हाँ यकीनन कुछ ना कुछ तो है। जस्ट अभी रिमोट हीटर के पास अभी पहुँचे, अभी यहाँ का ऐसे चेक करेंगे हम लोग, फिर यहाँ से निकलना है दूसरे वेल के तरफ अभी, क्योंकि इंटरनली पार्ट आपको दिखा नहीं सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड है। यस गाइस, तो लोकेशन के पहले वेल पे पहुँचे अभी हम लोग, जस्ट काम ख़त्म हुआ,
थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है धूप की वजह से, और अभी फिर से यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है। दोस्तों आज बिल का काम ख़त्म करने के बाद अभी हम लोग जस्ट वर्कशॉप के अंदर फिर से दोबारा पहुँचे, और यहाँ पे अदना और शमीम का पहले से काम चल रहा है। जब काम का बर्डन होता तो ये फील होता वो ये हम आ गए हैं कहाँ वाकई में। हियर इज अन्ना एंड ही इज अ वेरी गुड गाय, मतलब कोई नॉक किया। अच्छा नहीं, बहुत हाई स्पीड में हवा चल रहा था, हाईवे रोड पर रहेगा ऐसा। तो फाइनली काम ख़त्म करने के बाद भी थोड़ा शाम का वक्त हो गया, अब हम लोग पैसा विड्रॉल करना था तो अलराजी बैंक जो यहाँ है और काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, जस्ट नार्दिक है उसके बगल में है, और दो भाइयों को पैसा निकालना था विड्रॉल करना था, तो बोले चलो साथ में ही चलते हैं, फिर यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करके फिर निकलेंगे अभी रूम की तरफ दोबारा। वाह, रूम में रिटर्न पहुँचने के बाद किसी भाई ने नून से जैसे अपने अमेज़ोन फ्लिपकार्ट और बहुत सारा है मिंत्रा वगैरह है, यहाँ भी अमेज़ोन डॉट एस ए भी है और नून है जो बेस्ट है, और भाई ने एक घड़ी मंगाई है स्किमी का, ओरिजिनल क्वालिटी है बिल्कुल, पता नहीं कितने का है, मैं तो पूछूंगा अभी कितना है इसका प्राइस। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, अगर कमेंट सेक्शन में बताओ अगर अच्छा लग रहा है तो मैं भी मंगा लूँ एक, काफ़ी खूबसूरत है। भाई ने दो घड़ी मंगाया मेरे ख्याल से स्किमी का, एक तो भाई ने दूसरा वाला भी स्किमी का ही मंगाया, ये डब्बा पैक के अंदर में, वाह बड़ा खूबसूरत डब्बा है। देखता हूँ इसका मॉडल किस हिसाब का कैसा है, दिखने में कैसा लग रहा है ये, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, दिख रहा है। अरे भाई पलट तो लो कम से कम, हेलो ओ चलो भाई ने पलटा, ये वाकई में बड़ा खूबसूरत है, हालांकि डायल इसका तो बहुत अच्छा है, जहाँ आप डेट वगैरह भी देख सकते हो और इराम वगैरह भी सेट कर सकते हो, कूल है। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताओ दोनों में से कौन सा घड़ी अच्छा लगा, मैं भी वो ऑर्डर करता हूँ, और वीडियो को प्यार करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।